आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का उद्देश्य ये है कि हम लोग का जो पिछले 6 महीना से झारखंड स्टेट स्टूडेंट यूनियन के द्वारा लगातार कई डिजिटली और फिजिकली आंदोलन को ऐतिहासिक बनाए और वर्तमान सरकार झारखंडी जो 60-40 नहीं चलते एक जन भावना बन चुका है, इसको नजरअंदाज करते हुए बाहरियों को नौकरी देने के उद्देश्य से लगातार विज्ञापन पे विज्ञापन निकाल रहा है। और चूंकि हम लोग का जो 10 मई से 11 जून तक 31 दिवसीय महाजन जन आंदोलन जो किए 4 चरणों का, और अंतिम चरण जो हम लोग का 2 दिवसीय ऐतिहासिक बंदी रहा, उसके बाद हम लोग का कई ऐसा मैंने महत्वपूर्ण काम के कारण हम लोग नहीं आ पाए थे, तो उसका समीक्षा को लेकर भी आज हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस किए हैं। और जो लगभग हम लोग का जो 2 दिवसीय बंदी था, जिसमें पहला दिन लगभग 387 पॉइंट पे बंदी कराने के लिए हमारे झारखंडी माताएं बहने निकले, दूसरा दिन लगभग 413 केंद्र पर झारखंड के विभिन्न जगहों पर बंदी कराने निकले, सर्वप्रथम 31 दिवसीय आंदोलन को ऐतिहासिक बनाने के लिए तमाम झारखंड के सभी नौजवान साथी, माताएं बहने, बुजुर्ग, अभिभावक, सामाजिक संगठन से लेकर जितने भी बाजार समिति, दुकानदार संघ, ऑटो चालक एसोसिएशन, सभी को तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। लेकिन वर्तमान सरकार हमारी मांगों पर विचार नहीं किया, इसीलिए आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से पिछले 6 महीने से जो हम लोग का आंदोलन किए हैं, इसका मूल्यांकन करने हेतु और आगे एक बड़ा आंदोलन का ऐलान को लेकर के हम 2400 जिले के 5 प्रमंडल के सभी आंदोलनकारी के नेतृत्वकर्ता साथी, चाहे वो विधानसभा घेराव के समय की बात हो, चाहे मुख्यमंत्री आवास घेराव के समय की बात हो, चाहे विधायक संसद का लिखित समर्थन लेने की बात हो, या तो जो विभिन्न जगहों पर जो मशाल जुलूस का नेतृत्व किए हैं, या निकल करके बंदी कराया है, या ट्विटर कैंपेन को सफल बनाने में ऐतिहासिक योगदान दिए हैं, ऐसे तमाम साथियों को 2400 जिलों से हम आगामी 13 जुलाई दिन सोमवार को झारखंड की राजधानी रांची का टाइगर हिल रोड चिरंदी में आमंत्रित कर रहे हैं कि हम लोग का उस दिन पूरे 6 महीनों का आंदोलन का मूल्यांकन होगा, कहाँ किसका फर्जी मुकदमा हुआ है, कहाँ पे हम लोग का लेखा जोखा होगा, और आगे जिस तरीके से हम लोग संकल्पित लिए हैं और संकल्प लेके ऐलान किए हैं, शुरू से हम लोग जो यहाँ के महापुरुषों का कसम किया है, इस माटी का कसम खाए हैं कि झारखंड को 60-40 से नहीं चलते और 60-40 से परीक्षा होने नहीं देंगे और बाहरियों को नौकरी नहीं होने देंगे, इसमें हम लोग अभी भी दृढ़ संकल्पित हैं। और जैसा कि हम लोग विधायक संसद का लिखित समर्थन आया है, उसको हम लोग अपॉइंटमेंट दिए हुए हैं, जल्द हम लोग का आश्वासन मिला है राज्यपाल से मिलने का, मुख्यमंत्री से मिलने का, और स्पीकर महोदय से मिलने का, हम लोग जल्द ही जल्द मिलेंगे। इसीलिए जिसके जिसके पास है वो सब हम लोग कलेक्ट भी हो गया है, जिसका जिसका नहीं हुआ है वो लोग हम लोग को समर्पित कर दें, हम लोग जल्द ही जल्द मिलेंगे। और आगामी 3 जुलाई दिन सोमवार को महासंगोष्ठी होगा और उस संगोष्ठी में हमारा आंदोलन का मूल्यांकन और हम लोग आगे ऐलान करेंगे। और हम लोग का अगर मांग पूरी नहीं होगी तो जैसा हम लोग पूर्व ही घोषणा किया है दिल्ली तक का आंदोलन करेंगे, तो हम लोग निश्चित ही दिल्ली तक का जाएंगे, लेकिन 60-40 नहीं चलता तो नहीं चलता। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।